हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलापुर एक्जॉटिक बर्ड्स में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है। जैसे कि जून 15 जून के आसपास से ब्रीडिंग सीज़न अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं क्या क्या करता हूँ ब्रीडिंग सीज़न चालू करने से पहले, यानी कि अपने बर्ड्स को ब्रीड पे लगाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बर्ड अपना कैप्टिविटी में होता है तो हमें उसे प्रॉपर मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन एक्सेट्रा प्रोवाइड करना होगा। तो हम ये सब ऐड करने के लिए हमारे सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, और सॉफ्ट फूड में अपने बर्ड के अकॉर्डिंग जो भी उसे बेस्ट सुटेबल फूड है सॉफ्ट फूड में, तो हमें उसे वो प्रोवाइड करना होगा। और हाई क्वालिटी सीड भी प्रोवाइड करना होगा, और हाई क्वालिटी विटामिन सोर्स और कैल्शियम सोर्स प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि सब लोग से लोग कैल्शियम और विटामिन के लिए बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं। मैं यूट्यूब से नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को नहीं पता है कोई कुछ कुछ मेडिसिन का नाम लेना या फिर उसका प्रमोशन करना यूट्यूब से बैन है, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपको कैल्शियम विटामिन के लिए मेडिसिन वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका नाम बता दूंगा, या फिर अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9765591498। आप मेरे को प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल वगैरह मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कस्टमर से कॉल पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को कंटिन्यू इंक्वायरीज आती रहती हैं, तो सबसे बहुत एक साथ बात करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें प्रॉपर ब्रीडिंग बॉक्स या फिर मटकी प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि आपको पता है बजीज, सिंचेस, जावा, इन सब लोगों को आप मटकी भी दे सकते हैं और बॉक्स भी दे सकते हैं। और कुछ अलग अलग बर्ड्स है, यानी कि कॉकटेल हो गया, इसको भी आप मटकी बॉक्स दोनों भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो सिंचेस, जावा और अफ्रीकन लव बर्ड्स, ये जो बर्ड्स है इनके लिए मटकी या बॉक्स जब भी आप लगा के हो, इसके साथ साथ आपको नेस्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करना होगा। अभी नेस्टिंग मटेरियल में आपको इन्हें मूंज घास और उड़न सेव या फिर कोकोनट फाइबर प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे ये अपना नेस्ट उस बॉक्स में या फिर मटकी के अंदर बना लेते हैं और उसके अंदर प्रॉपरली एक डाल देते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्लीन क्लियर नेस्ट बॉक्स या फिर मटकी प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको अगर नेस्टिंग मटेरियल डालने वाले हो तो आप उसके नीचे एंटी इंसेक्ट पाउडर जो मिलता है मार्केट में, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वैरायटी है, आपको वो डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको नेस्टिंग मटेरियल डालना पड़ेगा, जिससे कि अंदर बॉक्स के अंदर माइट्स वगैरह ना हो और आप आसानी से 2-3 क्लच तक कोई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे 2-3 क्लच के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आपको उसे रिप्लेस करना होगा या फिर वॉश करके आप रीयूज कर सकते हो। लेकिन नेस्टिंग मटेरियल तो आप वॉश नहीं कर सकते, तो नेस्टिंग मटेरियल तो आपको नया यूज़ करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे दें। आप अपना भी शेड्यूल जो है वो पूरा रिन्यू कर लीजिए, यानी कि अगर आप अभी तक अपने बर्ड्स को सिर्फ सीड मिक्स या फिर हाफ डे सॉफ्ट फूड हाफ डे सीड मिक्स देते थे, तो आपको अपना भी जो बर्ड्स का फीडिंग टाइम है उसे रिशेड्यूल करना होगा। जैसे कि आपको रात में खाना पानी निकाल लेना होगा, सुबह में फर्स्टली आपको सॉफ्ट फूड देना होगा। सॉफ्ट फूड में आप कैल्शियम विटामिन मिक्स करके दे सकते हो या फिर पानी के अंदर कैल्शियम विटामिन दे सकते हो। और दोपहर में मतलब 2-3 घंटे के बाद जब सॉफ्ट फूड आपका ख़त्म हो जाएगा तो अब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह दे सकते हो। अगर आपको ये नहीं देना है तो आप डायरेक्ट सीड मिक्स प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन आपको रात में खाना पानी कंपलसरी काटना होगा, क्योंकि रात में खाना पानी नहीं निकालने से प्रॉब्लम क्या होता है, रात भर जो गंदा पानी पड़ा हुआ होता है, क्योंकि आपका बर्ड तो रात में पानी नहीं पिएगा, वो बेचारा को किसी जगह पर सो जाएगा। लेकिन आपका पानी खुला पड़ा होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ आसानी से हो सकता है, तो आपको रेगुलर रात में खाना पानी निकालना होगा और सुबह में बर्तन वॉश करके खाना पानी डाल के रखना होगा, जिससे कि आपका बर्ड बहुत कम बीमार पड़ने का चांस है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको आपके बर्ड के बिहेवियर के ऊपर
खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन जैसे ही चालू होगा तो कभी कभी इशू आता है कि मेल या फीमेल एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर मेल एग्रेसिव हो जाएगा तो फीमेल को मार देगा, और या फिर फीमेल एग्रेसिव हो जाएगी तो मेल को मार देगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके पास कॉलोनी सिस्टम है, कॉलोनी सिस्टम में तो आपको खास ख्याल रखना होगा। आपको जब भी नेस्ट बॉक्स लगानी है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ लगाना होगा। आप नज़दीक नज़दीक चिटक चिटक के नहीं लगा सकते नेस्ट बॉक्स, या फिर मट्टी आप जो भी लगाएंगे आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके लगाना होगा, जिससे कि दो पेयर अलग अलग पेयर के अंदर झगड़े ना हो। नहीं तो क्या होता है, अगर आप नज़दीक नज़दीक लगा दोगे तो दो पेयर के अंदर फाइट हो जाएगी उस मटकी या फिर पर्टिकुलर बॉक्स के लिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और ब्रीडिंग, आपको ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से 8-10 दिन पहले अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग करना होगा, और डिवॉर्मिंग करने के बाद कैल्शियम विटामिन का अच्छे से अच्छा सोर्स आपको उन्हें प्रोवाइड करना होगा। आप ये मेडिसिन के थ्रू भी कर सकते हो और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको डिवॉर्मिंग करना है नेचुरल प्रोसेस के साथ, तो आप उन्हें नीम का पत्ता जो आता है, नीम का पत्ता प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर नीम के पत्तों को बॉईल करके आप उसका पानी भी उन्हें दे सकते हो, और एलोवेरा जिसको कहा जाता है वो भी आप उन्हें दे सकते हो, जिससे कि उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। और अंदर अगर बॉडी के अंदर अगर कुछ जर्म्स है या फिर बैक्टीरिया है या फिर पैरासाइट्स है वो सब निकल जाएंगे, जिससे कि बर्ड की हेल्थ अच्छी होगी और की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें गलत लगता है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे। और अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए और या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट डाल दीजिए। और पर्सनली अगर बात करनी हो तो मेरे नंबर पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9765591498। मिलते हैं नए किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।